अगर आप अच्छी क्वालिटी के बीज लेना चाहते हो समर सीजन के लिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू और सीड्स परचेज कर सकते हो। हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ जो है स्पेशली रोज़ प्लांट पे। रोज़ प्लांट पे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने वीडियो मांगी थी, काफ़ी सारे व्यूअर्स को ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जानना था जो आप अपने प्लांट में 15 दिनों बाद या 20 दिनों बाद बहुत ही अच्छे तरीके से डाल सकते हो और उसके साथ आपके पौधे में बिना कोई रिकवर्ड ग्रोथ भी होती रहे और उसमें कोई हार्मफुल चीज़ें भी ना हो। सो इस वीडियो को देखना ज़रूर आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको रोज़ के फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके साथ जो मेरे प्लांट्स हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, मैं फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जो भी रोज़ का प्लांट होता है जब भी आप उसको फर्टिलाइज़र देते हो, फर्टिलाइज़र अगर लिक्विड देते हो तो उसकी जो गुड़ाई है, जो सॉइल है उसकी गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ क्या होता है दोस्तों, जो सॉइल की पोरोसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है और सेकेंडली जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही अच्छे से जो सॉइल पार्टिकल्स में जो एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी जो प्लांट्स की रूट्स हैं उनको अच्छे से ले पाती हैं। अगर आप ऐसी फर्टिलाइज़र डाल दोगे वो सिंपली पानी की तरह नीचे से आ जाएगा और उसके साथ अच्छे से जो फर्टिलाइज़र नहीं जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो फर्टिलाइज़र में हम एक एडिशनल चीज़ डालेंगे, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं आपको पता होगा जो DAP है ये डाइमोनियम फॉस्फेट रूट ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए मैं हर एक बार कोई भी फर्टिलाइज़र बनाता हूँ उसमें ये ज़रूर डालता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके सिर्फ 10 या 12 दाने ही लूँगा क्योंकि मैंने एक या दो पॉट्स के लिए हार्डली फर्टिलाइज़र बनाना है, दूसरों को मैंने दिया हुआ है, इसलिए आप इसको ज़रूर डालें अगर आप केमिकल यूज़ करते हो, नहीं तो आप रहने दे सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी दूसरा कंटेंट वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता दोस्तों कि आपने सिर्फ कंपोस्ट लेकर आनी है वही आपने जो इसका फर्टिलाइज़र बना लेना है, नहीं, जो वर्मी कंपोस्ट होनी चाहिए उसकी जो क्वालिटी है उसकी भी पहचान करनी आपको आनी चाहिए। जो वर्मी कंपोस्ट होती है उसमें ग्रैनुअल फॉर्म ज़रूर होनी चाहिए और उसके साथ ही उसमें मॉइस्चर भी होना चाहिए। जो ग्रैनुअल फॉर्म वाली वर्मी कंपोस्ट होती है वो प्रॉपरली डीकम्पोस्ट होती है और उसका जो कलर है वो ब्लैकिश कलर होता है, ना कि जैसे ब्राउन कलर नहीं होता उसका, ज़्यादा मोस्टली ब्लैक ही कलर पाया जाता है। और इसमें दोस्तों जो ग्रैनुअल फॉर्म है वो होती है अर्थवर्म का वेस्ट जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्लांट्स को जो अच्छे से न्यूट्रिशंस देती है और जो भी प्लांट को चाहिए होता है वो देती है। सो हम वर्मी कंपोस्ट लेंगे और साथ में DAP लेंगे। अब हमें फर्टिलाइज़र को बनाना कैसे है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले आपको एक चीज़ और बताऊँगा, जो रोज़ के प्लांट होते हैं, जो ग्राफ्टेड रोजेज़ होते हैं, ये ज़्यादातर सर्दियों में बड़े ब्लूम्स देते हैं। इसके लिए इनकी जो फीडिंग टाइम है वो सर्दियों में ज़्यादा होना चाहिए, गर्मियों में आप इनको नॉर्मल NPK आफ्टर 1 मंथ डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1/2 लीटर एक मग को भर लिया है, इसमें हमने नॉर्मल पानी लिया है जो टैप वाटर होता है और इसमें हम अपने जो हमारे पास कंटेंट है वर्मी कंपोस्ट NDAP हम उसको डालेंगे। अभी दोस्तों जो वर्मी कंपोस्ट है मैं 2 पॉट्स के लिए तैयार करने वाला हूँ, सिर्फ मैं एक मुट्ठी ही डालूंगा। इसमें आप कह सकते हैं मेरे पास 70-80 ग्राम्स जो वर्मी कंपोस्ट है वो मैंने ली है और उसको हम इसमें जो डाल देंगे। और इसके साथ हमने देख सकते हो कलर चेंज होने लग गया और इसी साथ धीरे धीरे से पूरा कलर जो पानी का वो चेंज हो जाएगा 7-8 घंटे बाद, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। और उसमें हम DAP डालेंगे। DAP को मैंने आपको पहले ही बताया हम इतने ज़्यादा ग्रैनुअल्स नहीं डालेंगे, सिर्फ 10 या 12 ग्रैनुअल्स ही होने चाहिए 2 पॉट्स के अकॉर्डिंग। सो हम इसको भी इसमें डाल देंगे। और ये याद रखिए दोस्तों, जब भी आप फर्टिलाइज़र बनाते हो कोई, उसको 7 या 8 घंटे मैक्सिमम आप रख सकते हो, 24 घंटे भी काफ़ी बार मैंने रखा है फर्टिलाइज़र को। उसके साथ क्या न्यूट्रिशन थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से आ जाता है, पर मैं अभी वर्मी कंपोस्ट होती है जो ये सब ये 7-8 घंटे तक रखता हूँ, सुबह सुबह और शाम को इनको डाल देता हूँ। इसके साथ क्या कर सकते हैं, उसमें गुड़ाई करके प्लांट्स में रख दीजिए, जो भी इसकी सूखी सॉइल होगी उस ज़्यादा बेहतर होगी और उसमें हम इसको डाल देंगे। वर्मी कंपोस्ट की जगह आप दोस्तों काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं, सिर्फ डीकंपोस्ट होनी चाहिए, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्मी कंपोस्ट ही रोज़ को ज़्यादा फ़ायदा देती है। सभी जो न्यूट्रिशन वाली खाद होती है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, आप सभी ऐसी एक मुट्ठी इसमें कोई भी डाल सकते हैं और इसके साथ आपके यहाँ पर बहुत अच्छे से बर्ड फॉर्मेशन होगी और जो फूल हैं वो बहुत अच्छे से आएंगे। ऐसी आप अपने जरूर पौधों में डालिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा पौधा। और ये दोस्तों आप देख सकते हो ये 7-8 आवर्स के बाद, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सॉइल है वो बहुत अच्छे से सूखी हुई है। अभी हम इसको डाल देंगे, इसका थोड़ा सा आपको कलर चेंज नज़र आ रहा होगा, अभी मैंने अभी इनको पूरी तरह से मिक्स कर दिया था,
और इसके साथ जो इसके पार्टिकल्स हैं थोड़े से सेटल डाउन हो गए हैं, इसलिए वो अच्छे से नहीं आपको दिख रहे होंगे। पर अब यहाँ पे भी आप एक चीज़ कर सकते हो, काफ़ी बार क्या होता है, हम जैसे 15 डेज़ के बाद रेगुलर हम अपने प्लांट्स को डालते हैं, क्या होता है कि धीरे धीरे जो ऊपर वाली जो सॉइल है उसका लेवल बढ़ता रहता है। इसके लिए हम इसको फ़िल्टर करके भी डाल सकते हैं, कोई भी आपके पास छन्नी है आप उसको ले सकते हो और उसके साथ इसको फ़िल्टर करिए और अपने पौधों में डाल दीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इसको जो सॉइल में जब डालूंगा साथ ही साथ जो सॉइल है उसको एब्जर्व कर रही है। यही होता है दोस्तों, अगर आप गुड़ाई करके डालोगे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे में बहुत ही लंबे टाइम के लिए जो न्यूट्रिशन है ये रहेगा, जब तक पौधों की रूट्स हैं लेती रहेंगी और आपका जो पौधा है वो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आपको देखेगा कि बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ में इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा है और आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। बाकी चीज़ें रोजेज में ये करनी ज़रूरी है दोस्तों, जैसे टाइम टू टाइम इसको गुड़ाई करके आप ये फर्टिलाइज़र डालने के साथ आप इसकी जो गले सड़े पत्ते हैं वो निकालते रहिए, जो इसकी सूखी बर्ड्स हैं वो निकालते रहिए, फंजीसाइड का भी स्प्रे करते रहिए, जो कि मेन चीज़ें आपने ग्राफ्टर रोज में पढ़ी ही होगी या आपने वीडियोस देखी ही होगी। अगर आपको फिर भी चाहिए वीडियो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। वैसे यही चीज़ें होती हैं दोस्तों जो रोज़ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आई होप दोस्तों आपको जो ये वाली वीडियो ये पसंद आई होगी और आपको जो मैंने फर्टिलाइज़र बताया बहुत ही सिंपल है और कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिए और अपने रोजेस में डालिए, जिसके साथ आपके रोज़ बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। ये बिगनर्स के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है, बजाय आप बाहर से कोई भी रोज़ फूड या कोई फर्टिलाइज़र लेकर आइए, आप सिंपल ये फर्टिलाइज़र यूज़ करिए, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। अगर आप प्रोफेशनली रोज़ ग्रो करना चाहते हो फिर डिफरेंट चीज़ होती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, उसमें सिर्फ ये चीज़ काम नहीं करती। पर फिर भी जैसे हमने नॉर्मली दूसरे प्लांट्स में हमें पसंद होते हैं, ये भी एक वन ऑफ द प्लांट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जितनी भी मुझे एक्सपीरियंस था मैंने आपको बताया, तो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी वीडियो चाहिए कि ये कैसे बनती है और कैसे हम अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी लिखना मत भूलिएगा और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जाते जाते आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरे मैरीगोल्ड्स के प्लांट्स हैं बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं और सभी में बहुत ही सुंदर और डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। और इसके साथ दूसरी भी वीडियोस आती रहेंगी फ्लावरिंग प्लांट्स में बेसिकली, क्योंकि मैं फ्लावरिंग प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करता हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।